जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की ओर से अंधेरों से प्रकाश की ओर से राज्यव्यापी 10 दिवसीय अभियान का प्रारंभ किया गया है। 22 जनवरी से 31 जनवरी तक 10 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान के तहत महाराष्ट्र की 11 करोड़ आबादी तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचता मुख्य उद्देश्य है। ऐसी जानकारी जमाते इस्लामी हिंद के शहर अध्यक्ष डॉक्टर अनवर सिद्दीकी, राज्य संदेश विभाग कमेटी के सदस्य वाजिद अली खान और सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य तौफीक असलम खान द्वारा आयोजित पत्र परिषद में दी गई। पारस्परिक मेल मिलाप और एक दूसरे को समझने से ही शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और बहुलवादी समाज की ओर बढ़ने का एकमात्र तरीका है। आज जबकि ध्रुवीकरण एक राजनीतिक उपकरण बन गया है, तब यह सब और अधिक उपयुक्त हो गया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने दुनिया के 7 अरब लोगों के बीच आध्यात्मिकता की खोज को बढ़ावा दिया है, जहाँ अनैतिकताओं और लालच के स्तर से अपनी सीमाओं को पार किया है। आधुनिकवाद के झूठे ढोंग के तहत मनुष्य ईश्वरीय मार्गदर्शन से विचलित हो गया है और प्रकृति के नियमों के खिलाफ अवज्ञा कर रहा है, इसलिए वह अनैतिकताओं और दुख में डूबा हुआ है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने समाज को अज्ञानता, घृणा और भौतिकवाद के अंधेरे से बचाना चाहते हैं और उन्हें ज्ञान, समझ एवं आध्यात्मिकता के प्रकाश में लाना चाहते हैं। इसीलिए जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने प्रकाश के संदेश 2021 को आरंभ करने का संकल्प लिया है। मानव जीवनाचा जो मूल तत्व आहे तो 3 बाबींवर आधारित राहतो, एक तर आस्था, दुसरे विचार, तिसरे आचार। जर शुद्ध आणि सत्य आस्था तर शुद्ध आणि सत्य विचार आणि शुद्ध आणि सत्य आचार असतात, आणि जर भ्रष्ट आणि अशुद्ध आस्था आहे तर विचार सुद्धा भ्रष्ट आणि अशुद्ध होतील आणि आचार सुद्धा अशुद्ध आणि भ्रष्ट होईल आणि साऱ्या मानव जीवनात मग भ्रष्टाचार पसरेल। जैसे आज हमारी GDP जो है निगेटिव में आ रही है, तो ये बहुत सी समस्याएं आज हमारे देश की 40% जो है संपत्ति 1% लोगों के अंदर आ गई है। तो ये लोग जो है अपने माँ बाप को भी नहीं मान रहे हैं। आप इतना बताते हैं कि माँ कैसी होनी चाहिए, माँ कैसा है, लेकिन हमने कोविड में देखा लोग अपने माता पिता को ना खबर में डालने को जा रहे हैं ना जलाने के लिए जा रहे हैं। माता पिता के साथ ये व्यवहार है तो दूसरे इंसानों के साथ क्या होगा? हमारी एजुकेशन व्यवस्था के अंदर क्या हुआ? क्या हमारे ये जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं ये सुकून पा रही हैं? इनके सामने कोई प्रत्यक्ष है कि हम एक बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारी समस्याओं का हल होगा? तो ये जो अंधकार है हर एक के सामने, घबराहट है, बेचैनी है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो हम इसके जरिए से डायलॉग्स कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर सोचेंगे ना। इस सिलसिले में किसी एक के पास नहीं हो सकता है, हम सबका खुदा तो एक ही खुदा है, लेकिन सबके जहन अलग है, हमारे सबके माइंड्स अलग है, सबके विचार अलग है। अंधेरे से प्रकाश की ओर 10 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान को महाराष्ट्र की 11 करोड़ आबादी तक व्यक्तिगत रूप से सभी जातियों एवं धर्म पर विश्वास रखने वाले पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश जमाते इस्लामी हिंद करने वाला है। राज्य संदेश विभाग कमेटी के सदस्य प्रोफेसर वाजिद अली खान ने इस अवसर पर कहा कि भ्रष्टाचार पर हमें गहरे मंथन और विस्तार की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार का लेन देन से संबंध नहीं है, उसकी सीमा बहुत ही व्यापक है, वह जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। सीधे और नैतिक मार्ग से हटना ही भ्रष्टाचार है, उसे पद भ्रष्ट भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा अल्लाह और पैगंबर के जीवन निर्देशों से हटना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, शिष्टाचार और पवित्रता से पलटना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आस्था, विचार पर भ्रष्ट, इनका जिंदगी के साथ क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है, जिसमें शिक्षा, नैतिक, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायालयीन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी शामिल है। जमात इस्लामी हिंद इस राज्यव्यापी अभियान अंधेरों से प्रकाश की ओर के माध्यम से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूल्य आधारित और तर्कसंगत मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।